एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हो? और गुड आफ्टरनून। हाँ, गुड आफ्टरनून तो नहीं बोल सकते बिकॉज अभी ना 11:30 बजे हैं, आप देख सकते हो घड़ी में, तो गुड मॉर्निंग ही बोला जा सकता है। तो गुड मॉर्निंग। और मेरी आप लेयर्स देख रहे हो कितनी बड़ी हो चुकी है, ये देखो। बहुत ही छोटे छोटे काटे थे ना मैंने, बट अभी ये बड़ी हो चुकी है लेयर्स, तो मैंने आज इस काइंड ऑफ से निकाले हैं। आप बोलिएगा कि अच्छे लग रहे हैं कि नहीं। और आज भी मैं हैंकी टक करके ब्लॉग बनाने वाली हूँ। ये है मेरा हैंकी, सॉफ्ट सॉफ्ट वाला, बहुत मस्त वाला हैंकी है ये, तो ये देखिए। तो चलिए फिर पहले ना हैंकी टक करते हैं और फिर ब्लॉग बनाते हैं। तो मैं ब्लॉग बनाती हूँ ना, तो मैसेज आ गया था, सॉरी। तो जब भी मैं ब्लॉग बनाती हूँ तो उसमें इतना ज़्यादा रिस्पांस नहीं आता है जितना कि हैंकी टक वाले ब्लॉग पे आता है। तो कोई नहीं, ब्लॉग तो ब्लॉग ही है, चाहे हैंकी टक करो या ना करो। तो ये देखिए, ये है हैंकी, और मैंने आज कॉटन की साड़ी वेयर करी है और उसके साथ मैं ये हैंकी टक करने वाली हूँ। और हैंकी लगा के करते हैं काम। तो आज मैं खाने में बनाने वाली हूँ चिकन करी। तो चलिए फिर फटाफट से चिकन करी की तैयारी कर लेते हैं। और मैंने हेयर वॉश करे है अभी, ये देखिए। तो चलिए फिर ज़्यादा बातें ना करते हुए हमारे वीडियो की तरफ चलते हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आज चिकन करी है, तो ये सब्जी कोई नहीं खाएगा, रात की बची हुई है, तो इसे हम देते हैं एक तरफ निकाल के। और ये देखिए, ये है चिकन जो कि मैंने पानी में रखा है। ये राज आइए चिकन खाने के लिए। चलो अपने एक पोज दे देती हूँ, एक पिक्स निकाल लेंगे। आप लोग भी खा लीजिए, ये लो ये लो ये लो ये लो चिकन तंगड़ी। चिकन तंगड़ी, चिकन लॉलीपॉप। चलिए तो बनाते हैं अभी येलो सूप जो बनाते हैं ना हम, वो वाला। ट्राइपॉड को ना थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। भाजी बेटा रात्रि ची जाओ लेती हूँ। हाँ टाकून दे भाई, गैस कर लिया है ऑन। और मैं तो दिखाई नहीं दे रही हूँ, हैंकी भी नहीं दिखाई दे रहा है, और आप लोग बोलोगे फिर। हैंकी भी दिखना चाहिए ना यार। अरे नहीं दिशा दे रहेगा, तू शांत बस ना, बस आई ना, तू तिकड़े बस, चेयर घेऊन तिकड़े बस। आपला एक तर पहिले किचन छोटा आहे बेटा, बस तिथेच राहू दे, स्टूल घे खाली बस। तर मी ऑइल टाकून दिलेला आहे आणि हिंदी बोलना छोड़ के मराठी बोलने लग गई थी। और देखो मैंने ऑयल रख दिया है, ऑयल में डाला है थोड़ा सा जीरा, और जीरा डालने के बाद हमारे राज को ना जीरा बहुत पसंद है, ऐसे ही खा लेता है वो। तो चलिए अभी ना जीरा डाल के उसमें डलेगा ये चिकन, चिकन तंगड़ी। दुनिया मांगे अपनी मुरादे, मैं तो मांगू आजन, रहे सलामत मेरा सजना और सजना का आंगन। खुशी लिपस्टिक का डाल दू, खुश जा। मेरी बेटी है ना बहुत ही ज्यादा मेरा मतलब ये करती है, मैं अगर लिपस्टिक लगा तो वो भी लगा लेती है। छोटे बच्चों के लिए अच्छी नहीं होती है ना लिपस्टिक।
सांगा चांगला फेस वॉश करगा तोंडाला साबण लावून धुऊन चांगला अभी डालेंगे थोड़ी हल्दी और चिकन सूप ना मुझे भी ज्यादा पसंद है तो अभी डलेगा नमक अरे जास्त पानी टाकलं का ती छान चवडी म्हणून जाते हो रे ये देखो भाई हमारा चिकन आपको पता है ये वाला जो क्या बोलते हैं इसे यार ये जो पार्ट है पार्ट नहीं इसे क्या बोलते हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा है तो ये ना राज के स्टडी टेबल का निकला हुआ था तो मैं इसका अभी क्या यूज करती हूँ पता है तो ये मैं यहाँ पर बेसिंग पे ऐसे रख देती हूँ और यहाँ पर मेरा ट्राइपॉड रखती हूँ ताकि मैं यहाँ से अगर काम करूँ ना तो यहाँ से बराबर ट्राइपॉड रख के यहाँ से काम करती हूँ मतलब ये मैंने जुगाड़ लगाया हुआ है एक तरह से तो ऐसा मेरा जुगाड़ है दिमाग लगाना पड़ता है यार तो यहाँ पर मैं जो है खाना बनाते बनाते अपने जो बर्तन है ना वो वॉश करने आ गई थी क्योंकि ये भी ज़रूरी होता है नहीं तो ना बेसिंग पूरा भर जाता है और मुझे पसंद नहीं है ऐसा कि पूरा बेसिंग भर जाए बर्तनों से तो आप देख सकते हो मैं ना जितने भी मेरे बर्तन हैं वो सब कुछ समेट रही हूँ वॉश कर रही हूँ और यहाँ पर राज खुश है ना बार बार आ रहे तो परेशान कर रहे मुझे कि मम्मा जल्दी से हमें वो जो सूप है वो दो चिकन सूप तो अभी तो मैंने जस्ट मतलब उसे बनाया है अभी बना नहीं है पूरी तरह से तो खुशी नहीं इतनी बट राज को ज़्यादा पसंद है तो खुशी कभी कभार खा लेती है और यहाँ पर बर्तन वॉश करने के बाद ना मैं आ गई हूँ मेरे हबी आए थे तो उनको ना ये कंदील निकालना था मैंने दो तीन दिन से बोल के रखा था कि कंदील निकाल लो बिकॉज ये ना पेपर से बना हुआ है और हमारे यहाँ पर ना बारिश वाला मौसम कभी भी बन जाता है तो मैंने बोल दिया कि बारिश अगर हो गई तो ये ख़राब हो जाएगा तो इससे अच्छा इसे निकाल लो अभी तो दिवाली भी चली गई है तो उन्होंने आज जो है ना उसे निकाल ही लिया फाइनली तो अभी तो कुछ मतलब दिवाली वगैरह तो है नहीं तो अभी निकाल ले तो अच्छा है ना और अगले साल हमें काम में भी आता है तो इस पे ना 15 दिन हो चुके थे इसे लगाए तो बहुत ही ज़्यादा गंदा और मतलब धूल मिट्टी सा हो गया था इसके ऊपर धूल आ गई थी तो मैंने सोचा चलो इसे ना अच्छे से क्लीन भी कर लेते हैं क्योंकि बाहर तो लाइट तो लगेगा ही बट सिर्फ हम कंदील निकाल रहे हैं क्योंकि अगले साल हमें यही काम में आएगा ना इस वजह से तो यहाँ पर आप देखिए मैं अच्छे से क्लीन कर रही थी कंदील को और अच्छे से क्लीन करके मैं इसे पैक करके एक पॉलीथीन के अंदर पैक करके रख दूँगी ताकि मुझे अगले साल पूरा न्यू का न्यू ये कंदील मिले तो बस ऐसा है मेरा और मुझे नहीं पता कि हर लेडीज़ करती होगी या नहीं बट मैं तो करती हूँ ऐसा तो मैं बहुत ही ज़्यादा कंजूस हूँ यार बहुत ही ज़्यादा मतलब हर चीज़ को संभाल संभाल के रखती हूँ और मैं आ गई हूँ फिर से किचन में और हम लेडीज़ का काम तो किचन में ही होता है तो ऑब्वियसली हम किचन में ही होने वाले हैं ना तो किचन में आने के बाद मैं क्या कर रही हूँ तो भाई मैं कर रही हूँ अभी राइस की तैयारी राइस डाल देते हैं क्योंकि जो सूप है ना वो राज राइस के साथ ही खाता है उसे राइस के साथ ज़्यादा पसंद है और राइस के साथ ही अच्छा लगता है वो ज़्यादातर वैसे तो मुझे पीने में अच्छा लगता है बट राइस के साथ अगर खाए ना तो बच्चों का पेट भी भर जाता है मन भी भर जाता है और अभी मैं करूँगी मसाले की तैयारी तो मसाले में मुझे ना वो जो सूखा नारियल होता है वो ग्राइंड करना था मतलब उसे जो कद्दूकस करते हैं ना वही वाला तो मैं यहाँ पर आके बैठ गई थी मेरे हबी के पास थोड़े से गप्पे लड़ाने के लिए और मुझसे ये हो नहीं रहा था बहुत ही ज़्यादा मतलब सख्त था कड़क वाला तो मैंने क्या किया अपने हबी के पास दे दिया और उनको बोला कि प्लीज़ आप ये मुझे करके दो अच्छे से ग्राइंड करके दो
तो उन्होंने ना बहुत ही इजी करके दिया उनको, मतलब उनके ताकत में और मेरी ताकत में थोड़ा सा फ़र्क तो है। तो उनके पास जैसे मैंने दिया ना, उन्होंने तुरंत ही करके दे दिया मेरे पास। और ये देखिए, आपको मैं थोड़ा सा क्लिप दिखाती हूँ, तुरंत ही कर दिया। तो ये एक हम वाटी बोलते हैं, मतलब कि एक पीस है वो खोबरे का। तो मैं आ गई हूँ और नल चले जाते हैं, इस वजह से जो बाटलियाँ वगैरह बॉटल्स वगैरह ख़त्म हो जाती है ना पीने के बाद, उन्हें मैं ना दोबारा से भर लेती हूँ, क्योंकि 11 बजे के बाद, 11-12 बजे तक ना हमारे जो नल है पीने वाले वो चले जाते हैं। और यहाँ पर मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रही थी कि मेरे ना गाल पर, चिक्स पर वो ब्लैक ब्लैक ऐसे आ चुके हैं। तो वो मुझे किसी ने बोला था कि आप पानी ज़्यादा पिया करो, वो चले जाएँगे। तो क्या पता अभी क्या होता है क्या नहीं। अभी मैं मसाला रेडी कर लूँगी, और मसाला रेडी हो जाने के बाद फिर सब्ज़ी वगैरह बना लूँगी। और मैं सब्ज़ी आपके साथ शेयर नहीं करूँगी रेसिपी, क्योंकि बहुत बारी शेयर कर चुकी हूँ। और यहाँ पर मैं प्याज रख रही थी मसाले के लिए, तो भुने हुए प्याज में डालती हूँ। और यहाँ मैं अदरक छील रही थी मिक्सी में, अभी मैं मसाला ग्राइंड करने वाली हूँ ना, इस वजह से। तो मैंने राइस चढ़ा दिया था, तो वही मैं आपको दिखा रही थी कि कैसे बुलबुले आ रहे थे ऊपर। और हमारा जो कुकर है ना, वो ऊपर पूरा मतलब पानी से, बुलबुलों से भर चुका था। और जब मैंने शूट करना चालू करा तो वो तुरंत मिट गए थे, वो आपको दिखाने होगा शायद। तो यहाँ पर मैंने जो है ना अदरक वगैरह सब कुछ मसाला मतलब रेडी करने के लिए डाल दिया था मिक्सी जार में और रेडी कर लिया। और उसके बाद मैंने जो है ग्रेवी चिकन करी जो है बना ली थी अच्छे से। ये देखिए हमारी चिकन करी रेडी है मस्त खाने के लिए। तो इसके अंदर अभी मैं डालूँगी कोरिएंडर, और मैं इसकी रेसिपी आपके साथ बहुत बार शेयर कर चुकी हूँ। स्पेशल वीडियो भी है मेरे चैनल पर, अगर आपने नहीं देखा हो तो प्लीज़ चेकआउट कर लीजिएगा। और आप लोगों को मेरे ब्लॉग कैसे लगते हैं मुझे ये कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा यार, प्लीज़ बताइएगा कि मेरे जो ब्लॉग्स हैं वो आपको कैसे लगते हैं। और कोई सजेशन हो, कुछ हो मेरी गलती, तो वो भी बता दीजिएगा। तो ये देखिए, ये है हमारा खाना, बाजरे की रोटी, लेमन नहीं है आज, प्याज है, चिकन करी है, राइस है। तो आइए आप लोग भी खाने के लिए, कितनी अच्छी थाली लग रही है ना, बहुत ही मस्त वाली थाली जो है हमारी बनके रेडी हो चुकी है। और यहाँ पर हम खा रहे थे, तो मैंने सोचा चलो थोड़ा सा ऐड कर देते हैं, आपको दिखाते हैं कि मैंने अभी तक हेंकी नहीं निकाला है भाई, क्योंकि हेंकी जो है ना, हेंकी के साथ ही ये व्लॉग है। तो हेंकी मतलब यहाँ पर मेन रोल हेंकी का ही है, तो हेंकी लगा कर मैं खाना खाने बैठी हूँ। यही दिखाने के लिए मैंने जो है राज को बोला था कि आप बेटा थोड़ा सा शूट कर लो, और हम सारे के सारे खाना खाने बैठे हैं और थोड़ा सा शूट करना था इसलिए ट्राइपॉड पर नहीं लगाया। तो आइए आप लोग भी खाना खा लीजिए। आई होप आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया होगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।